आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चंस में लिखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है ना, APD ये अर्धवृत्त है, BPD C ये भी क्या है, अर्धवृत्त है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, वर्ग यानी टोटल का क्षेत्रफल निकाल के उनमें से इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए उसी तरह से हम इसका हल करते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है भुजा गुने भुजा, चाहे इसको भुजा स्क्वायर भी बोला जाता है ना, भुजा गुने भुजा। तो भुजा आपका गिवेन है 14 cm, तो 14 × 14 तो हो जाएगा 196 cm². ये आ गया वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो है लाइन वो व्यास का काम करेगा, किसका, व्यास का, क्योंकि व्यास बराबर हो गया 14 cm। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है r वो व्यास का आधा होता है ना, व्यास बाई 2 यानी कि 14/2 तो ये हो जाएगा 7 cm, r हो गया 7 cm। तो अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² / 2। तो जो पाई का मान है 22/7, आर का मान 7 आया है, दो बार लिखेंगे 7 × 7 और इसके भिन्न में 2, 7 से एक 7 कट गया, 2 से 11 बार में, तो 11 × 7 = 77 cm². अब देखिए APD का जो क्षेत्रफल निकाले वैसा ही ये BPC भी है ना, तो इसलिए दो बार गुना कर देंगे, इसलिए दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 2 × अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल निकालने हैं, अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 2 × APD का क्षेत्रफल 77 आया है, यहाँ लिख लूँगा, 77 × 2 = 154 होता है 154 cm². तो इस पॉइंट्स को निकाल लिया और पहले से इस त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हुए। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब छायांकित भाग का, साइडेड एरिया का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल में से हम लोग घटा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है 196 आया है, देखिए यहाँ पे 196 वर्ग का क्षेत्रफल है ना, इसको पुट करेंगे और अर्धवृत्त का दोनों का आया है 154, तो 196 − 154। अब घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और 19 में से 15 गया 4, 42 cm². तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो 42 cm². तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन 3 बताया, उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।